दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जी टीवी पर एक और सीरियल शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है रब से है दुआ। में हमें कई किरदार नजर आने वाले हैं, जिसमें से एक है अभिनेत्री अदिति शर्मा, जो सीरियल में दुआ के किरदार में नजर आएंगी। और इनका ये किरदार देखने के लिए अभी से ही दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। लेकिन क्या आप यकीन भी करेंगे कि इनसे पहले टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां इस रोल के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों वो इस रोल के लिए रिजेक्ट हुई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, ईशा सिंह। बात करते हैं जी टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में नजर आ चुकी अभिनेत्री ईशा सिंह की। बता दें कि जब ये रोल इनके पास गया तो ये फिलहाल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हैं, जिससे अभिनेत्री ईशा सिंह इस रोल से रिजेक्ट हो चुकी हैं। नंबर दो, श्रीति झा। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में नजर आ रही अभिनेत्री श्रीति झा को भी इस रोल का ऑफर गया था, लेकिन फिलहाल ही अपने सीरियल कुमकुम भाग्य की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी चल रही हैं, जिस वजह से श्रीति झा भी इस रोल के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। नंबर तीन, जेनिफर विंगेट। अब बात करते हैं बेहद और बेहद टू सीरियल में अपनी जुनूनियत भरी मोहब्बत दिखाने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की। बता दें कि जब ये रोल इनके पास गया तो इन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन जेनिफर विंगेट स्क्रीन टेस्ट में पास नहीं हो पाई, जिस वजह से जेनिफर विंगेट किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। नंबर चार, दृष्टि धामी। आखिरी कड़ी में नाम शामिल है कलर्स टीवी के सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में नजर आ चुकी अभिनेत्री दृष्टि धामी का। बता दें कि मेकर्स ने इन्हें भी इस किरदार के लिए अप्रोच किया था, लेकिन ये मेकर्स से स्क्रिप्ट में चेंजेस करने की डिमांड कर रही थी, जिस वजह से ये भी इस रोल के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मेकर्स ने इनकी ये बात नहीं मानी थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस अभिनेत्री पर यह किरदार सबसे ज्यादा फिट बैठता? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।